21वीं सदी के भारत की सोच, जब उन्होंने कंप्यूटर की बात करी, आईटी की बात करी, तो बहुत सारे लोग विरोधी दल मिलकर मजाक उड़ाते थे, हड़ताल हुए थे कि कंप्यूटर हमें रेलवे में नहीं लाना है, कंप्यूटर की शिक्षा शुरुआत भी करनी है। इसी क्रांति से आज भारत का नाम विश्व में मशहूर हुआ आईटी सेक्टर में। पहले आईटी सेक्टर को कोई सेक्टर माना नहीं जाता, एक ऐसा सेक्टर का शुरुआत हुई कि देश में आईटी ट्रेनिंग जब शुरू हुई, नई नई कंपनियां जो खुली, उनकी उनको नौजवानों को इसका ज्ञान योजना से बढ़ाई, हमारे जो NIIT खुले, हमारे कॉलेज और स्कूल में जो आईटी की शिक्षा की शुरुआत करी, बुनियादी शिक्षा, इससे मैं सोचता हूँ एक ऐसी क्रांति आई जहाँ भारत की नई पहचान बनी। यही राजीव गांधी की सोच थी। राजीव जी ने देश के बारे में, देश के औद्योगिकरण के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो उनकी बनी हुई योजनाएँ हैं, वो योजनाएँ वो नींव थी हमारे देश के साथ। सर, धार्मिक रूप से भी राजीव